गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन दिस क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट क्लास वी वर डूइंग द ग्रामर जंक्शन सेक्शन। सो लेट मी कंफर्म दैट की विच क्वेश्चन नंबर वी हैव टू डिस्कस विच क्वेश्चन, बिकॉज आई होप एवरीबडी रिमेंबर द concept, the topics, the rules, whatever I have taught to you for changing a direct sentence into the indirect. Yes, yes. Yes, sir. So let me confirm that key, which one is the correct one. As a first question, we have done, na? The first question. First question ke sir, do hi hue the? Yes, sir. Acha, baki bache hue hain kya? Yes, sir. Okay, no issue. We would be continuing from the first question. That means ki all the questions are remaining from the exercise part. So, beta, in our last class, let us revise both the concepts once again, both the questions once again. In the first question, the first sentence is, she said, I'm going to class. So, what we have to do? You all have to tick the sentence that have been converted to direct speech correctly. पहले सेंटेंस को देखते हैं indirectly, indirect tense में हम लोगों ने मतलब यहाँ पे properly convert किया गया है या नहीं। She said that I'm going to class. Now tell me that whether it is correct or incorrect. 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 Abhishek Pandey, can you tell me that why it is incorrect? Because the pronoun is not changing and the tense is not changing. Because in the indirect sentence, the reported speech is the tense of the reported speech is not changed, and the suitable pronoun is also not used in the indirect. यहाँ पे suitable pronoun भी pronoun को भी नहीं change किया गया. ये first person का pronoun था, she के accordingly change होना था. और यहाँ पे टेंस था, आई एम गोइंग यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस था, तो इसको पास कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना था. ठीक है, इसका सही रूप क्या होगा? प्राची जायसवाल, कैन यू टेल मी द व्हाट इज द करेक्ट इनकरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर दिस सेंटेंस? प्राची. यस सर. शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू क्लास. शी सेड दैट She was going to class. यही तो बताइए. ठीक है, that means कि Rajesh correct. Very good, बहुत अच्छे. Now next question, the next sentence is Manu said I am very busy now. Manu said I am very busy now. उत्कर्ष जरा आप बताइए वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. करेक्ट. करेक्ट है. गौरव तिवारी आप बताइए. यस सर, करेक्ट है. वाह, अच्छा, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है? रत्नेश तिवारी. नो सर. ठीक है, यू ऑल आर करेक्ट. ये भी करेक्ट है, आप सब भी सही है. इट इज करेक्ट. Now the moving on the third sentence. Pesto said you will have to finish the homework before tomorrow. यहाँ पे questions थोड़ा सा अच्छे आए हैं. तो इसका क्या होगा? How many are telling that it is correct? Correct वाले one finger, incorrect वाले two fingers. Now everybody have to participate. और जिसको नहीं show करना है, मैं उसको परेशान नहीं करूँगा. कोई बात नहीं. Many of the students are showing that it is correct. One finger they are showing. और जो two finger show कर रहे हैं, that means कि वो कह रहे हैं कि नहीं, ये indirect sentence में जो convert किया है, that is incorrect. Okay. Many of the students are not showing. कौन कौन नहीं show कर रहा है? उत्कर्ष नहीं देखे, नहीं show कर रहे हैं, प्राची नहीं show कर रहे हैं. नहीं, कोई बात नहीं, बेहतर है. कोई बात नहीं. और नाम लेने पे. कुछ लोगों ने अपना पाला चेंज कर लिया.
शुरू में वन फिंगर शो कर रहे थे, बाद में टू करने लगे। उत्कर्ष आप बताइए, आपने जब शो ही कर दिया कि आपको कहां पे लग रहा है इसको, आपको इसमें सारा सही लग रहा है? उत्कर्ष माइक ऑन करिए, अलका वर्मा प्लीज वीडियो ऑन करें। चलिए बेटा उत्कर्ष नहीं जवाब दे रहे हैं। अनुराग उपाध्याय आप बताइए, मुझे समय नहीं खराब करना है किसी दूसरे बच्चों पे जो ना बोले। सर सर इसमें यहाँ विल हैव की जगह वुड हैव होना चाहिए। बिल्कुल, विल और शैल को आप वुड या शुड में बदल लेंगे, तो आप कुड में को माइट में आपको चेंज करना पड़ेगा। दैट मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम एट हियर। एनी अदर प्रॉब्लम, एनी अदर? नो सर, अदर आर करेक्ट, अदर्स आर ऑल करेक्ट। ओके, यू हैव टू फिनिश द होमवर्क बिफोर द नेक्स्ट डे। ओके, टुमारो को द नेक्स्ट डे में भी चेंज किया गया, दैट मीन्स इट इज रॉन्ग। ठीक है, पहला वाला भी रॉन्ग था, इसको यानी वुड में चेंज कर देंगे तो बाकी सारा सही हो जाएगा। यही है ना, लिखना पड़ेगा? यस यस सर। यस लिख दे या रहने दे? इसका सही सेंटेंस नीचे लिख दे या रहने दे? आप कर लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, करना नहीं कर लेंगे। अगर कर लेते हैं तो एक तरीके से वो बोनस ही होगा। गीता सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, वन और टू? ओके, वेरी गुड। द गीता सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, यू ऑल हैव टू शो वेदर इट इज करेक्ट। सही के लिए वन और गलत के लिए टू। वन फिंगर फॉर द करेक्ट, कि हाँ ये करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्टली इसको कन्वर्ट किया गया है। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर शोइंग टू फिंगर, ओनली 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 अलका इज शोइंग वन फिंगर। अलका बेटा जरा बताइए सबको ये क्यों सही है। बिल्कुल आप सही हो, लेकिन आप ये सबको पता भी तो चलना चाहिए, बताइए व्हाई यू आर शोइंग वन। सर क्योंकि ये सही क्यों? तेजी से बोलिए, क्या बोल रही हो? सर क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच में करेक्टली किया गया है। बेटा आवाज नहीं आ रही है, फिर मैं समय नहीं खराब करूंगा। मैंने और बच्चों पे नहीं समय खराब किया तो मैं आपके ऊपर भी बिल्कुल नहीं खराब करूंगा। वेट करने का समय नहीं, पूरा एक्सरसाइज डिस्कस करना। जो बोलना तेज बोलिए, फिर से बोलिए। सर क्योंकि ये इनडायरेक्टली स्पीच में करेक्टली किया गया है। गलत है, लेकिन आप कह रहे हो सही है, क्यों सही है? अच्छा गलत वाले से पहले पूछ लेते हैं, किससे पूछे? मुस्कान यादव आप बताइए व्हाई इट इज इनकरेक्ट। सर बिकॉज हियर इन दिस सेंटेंस कोटेशन मार्क्स इज नॉट रिमूव्ड। अभिषेक यादव आप बताइए। यस सर, कोटेशन मार्क इसमें नहीं हटाया गया। देखो एक चीज है, कोटेशन मार्क तो चेंज करना चाहिए। अलका वर्मा आप बताइए, आप क्या सोच के सही सही का निशान लगाई थी? सही, क्या ये लोग सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। तो आप गलत, आप अपना आंसर चेंज करेंगी वन या टू? सर टू। टू, यस। इसमें बाकी सारी चीज इसमें कंफ्यूज करने के लिए केवल क्या कर दिया गया है, यहाँ पे आपको जो आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है उसको डाला तो गया है, यूनिवर्सल ट्रुथ को यूज तो किया गया बट कोटेशन मार्क्स को नहीं रिमूव किया गया। कोटेशन मार्क हमेशा चेंज होंगे। अगर आपका यूनिवर्सल ट्रुथ है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं? तो यानी इसके टेंस में चेंजेस yes, yes, बाकी सारे चेंजेस तो होंगे ही। यस सर। यस सर। कहाँ पे दिखाया गया था? Yeah.
जब आपका यूनिवर्सल ट्रुथ हो या कोई ऐसा स्टेटमेंट हो दैट रिमेन्स वैलिड एट द मोमेंट ऑफ रिपोर्टिंग, तो आपका कोई भी टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. इधर लिखा है एट दैट कोटेशन मार्क हटाया गया, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सही है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. The last one, he said, I have finally completed painting the house. One or two? One or two? Okay, very good. Two fingers again. Many two fingers are there. Bahut acche, bahut acche. Very good. Alka Verma, what is wrong here? Jara bataiye. आप ही ने टू फिंगर शो किया, आकृति ने नहीं, आकृति तो बिना सोचे समझे दो फिंगर शो कर दी, बाद में उसने हटा लिए, किसी का देखी कि अभी पिक्चर तो वन शो करने लगी थी, बट आप बताइए व्हाई वाज शोइंग टू फिंगर, वेयर इज रॉन्ग? कहां पे गलत है? बेटा लास्ट अगर देखते हैं, अलका वर्मा के ऊपर भी समय नहीं खराब किया जाना चाहिए, क्योंकि कई बार इनका नाम देना पड़ता है तब ये भूलती हैं. ऐसे में हम जहां 10 क्वेश्चन करना होगा वहां 5 क्वेश्चन ही कर पाएंगे. He said, I have finally completed painting the house. He said that, ये तो सही है. आई को फर्स्ट पर्सन के हिसाब से चेंज करना चाहिए, बिल्कुल सही ही. आई हैव फाइनली कम्प्लीटेड यानी ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट होना चाहिए यानी Had finally completed painting the house. All the things are correct. Quotation mark लगाया गया, full stop proper लगा है. सारी चीजें सही है. That means the students who are showing that ki it is a correct, the students who are showing one finger, they are correct. Okay? Now moving. Yes, sir. Moving next. Fill in the blanks with the correct forms of the question bracket. The winner said, I would like to thank you my parents. The winner said, I would like to thank you my parents. इसका आपको क्या करना है? You have to use the first one or second one. The winner said that. अब यहाँ पे ही use बोला गया या she, both are correct. क्योंकि अब I को the winner के हिसाब से फिलहाल हम use करेंगे और जो winner है ये नहीं मतलब clear किया गया है कि whether it is The winner is the male person or female person. So she is correct. She भी सही है, he भी सही है. I को change किया गया she में. अब would like to thank you my parents या would like to thank you my parents या would have liked to thank you my parents. क्या होगा? Would like. बेटा, whoever is telling that कि would like to thank you my parents, first option सही है, they have to show one finger. जिनको लगता है दूसरा सही है, they have to show two finger. Yes, would like is the correct answer. Would like, many students are showing correct answer. Now the second one. सेकेंड की बात कर, रॉबिन सैड रॉन इज एट होम नाउ, व्हिच वन इज द करेक्ट, इज या वाज, फर्स्ट और सेकेंड? रॉबिन सैड दैट बिल्कुल सही वाज इज द करेक्ट. ये तो इजी है, बहुत इजी है, ये तो डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ही नहीं है. ओके, नाउ मूविंग अहेड. First of all, we have to erase this one. Then, see me. तुरंत देख के बताइए. See me. She said, I will have finished moving by this time this week. She said that she.
would have finished या would have been finishing? One or two? देखिए बेटा यहाँ पे आई विल हैव फिनिश्ड, विल को आप वुड में चेंज करेंगे, बाकी सारी चीजें yes, आपको वही सेम है. आई विल हैव फिनिश्ड यानी प्रेजेंट, ये क्या है, ये आपका ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, यही तो है. आई विल हैव फिनिश्ड मूविंग. अब इसको आप एक तरीके से, मैंने कहा था कि विल को वुड में चेंज करेंगे यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज कर सकते हैं, तो विल हैव फिनिश्ड को वुड हैव फिनिश्ड में चेंज कर देंगे, तो दैट मीन्स फर्स्ट वन. आप लोग सही आंसर भी बता रहे हैं. यू सैड यू हैड मेट हिम इन नवंबर, क्या होगा, हैड मेट या मेट, फर्स्ट या सेकेंड? ओके, मेनी टू फिंगर्स आर देयर, दैट इज करेक्ट, हैड मेट, सही है, सभी लोग सही कह रहे हैं. यू सैड यू हैड मेट हिम इन नवंबर, दैट मीन्स कि दिस इज इन पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में ही रहने देंगे, यही तो है. यस सर, बस आपको ये प्रोनाउन में चेंजेस होगा. यू आपका एक तरीके से सेकंड फॉर्म, मतलब सेकंड पर्सन है, तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा. तो यू सैड वो किससे बोल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक बार ऑब्जर्व करना रहेगा. उसने बोला कि तुम, यानी मुझसे बोला ना, तो दैट मीन्स कि यू सैड आई हैव मेट हिम इन नवंबर. दीक्षा सैड आई एम वेरी टायर्ड, दीक्षा सैड दैट शी वॉज वेरी टायर्ड या शी हैड बीन वेरी टायर्ड. इजी है, वन फिंगर, बिल्कुल सही, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, ये तो आप लोगों को वैसे कर लेने थे. नाउ नेक्स्ट आपका कंप्लीट द सेंटेंस. आई नेवर ईट मीट ही सैड, I never eat meat, he said. क्या होगा इसका, एक एक करके मैं अलग अलग लोगों से पूछूंगा, जिसका नाम लो तुरंत उसको बोलना है, समय नहीं वेस्ट करना है. अभिषेक यादव, आप ही से शुरू करते हैं, आपसे नहीं, आपसे मुस्कान से लास्ट, मतलब चलो ठीक है, आप ही से शुरू करते हैं. अभिषेक यादव, he said that I never eat meat. He said that he never eat meat. ईट होगा या एट होगा? सर एट. तो आप तो समझ में नहीं आ रहा, तुम ईट बोल रहे हो या एट बोल रहे हो. ही सैड दैट ही नेवर एट मीट, आपका ही सैड दैट आई नेवर ईट मीट. आई नेवर ईट मीट, आई को आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट आपका ही है, तो प्रोनाउन ही मिल गया, तो आसान है, ही कर देंगे. Never eat meat, वो कभी मीट नहीं खाता है या कभी मीट नहीं खाता था, तो अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना पड़ेगा. Eat एट होता है. He never ate meat. Okay? Yes, sir. बात यहाँ पे समझ में आती है, आई नेवर ईट मीट, क्या ये स्टेटमेंट अगर जिस समय बोला जा रहा है, क्या उस समय तक भी ये सही है? आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था कि अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो टेंस में कोई चेंजेस नहीं होता, या जो बातें कही जा रही हो, जो भी स्टेटमेंट बोला गया हो, अगर वो एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग जब आप ये कह रहे हो, जब आप चेंजेस कर रहे हो, उस समय क्या अगर वो ट्रूथ है, तो दैट मींस कि उसके टेंस में नहीं चेंजेस होगा. तो आई नेवर ईट मीट, वो मीट कभी नहीं खाता था या नहीं मीट कभी खाता है, तो वो तो अभी एक तरीके से दिस स्टेटमेंट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, तो दैट मीन्स कि ऑल्सो वी कैनॉट चेंज. हम चाहे तो इसका बेटा यहाँ पे ऑप्शनल है एक तरीके से. आई को आप प्रोनाउन तो आपको चेंज ही करना पड़ेगा. He never eats meat भी कर सकते हैं. He said that he never eats meat भी लिख सकते हैं. But both ये जो आपने ये नोट चेंज किया है, it is not, ऐसा नहीं है कि it is not correct. ये it is also correct. तो आप लोगों को confuse नहीं होना है. You all have changed correctly. That is nice. Now
Now, Millie said, we will cut the cake in some time. Ratnesh Tiwari. Millie said that they would cut the cake in some time. Very good. Correct. Millie said that. वी आपका है, वी आपका मिली के अकॉर्डिंगली चेंज होगा, तो मिली आपका फर्स्ट पर्सन है, तो ही का प्लूरल क्या होता है, दे विल, विल को चेंज में करेंगे उड में ना, दे उड यस सर कट द केक इन सम टाइम, सही है, यस सर. नाउ मोहन सैड आई हैव बीन लिविंग इन द सिटी फॉर 14 इयर्स. Prachi, Mohan said, I have been living in this city for 14 years. Yes, sir. Mohan said that he had been living in this city for 14 years. Bilkul sahi. Mohan said that I aapka Mohan ke accordingly change hoga. He had been hai, to yani isko aap past continuous mein karenge. Ye aapka perfect continuous mein hai na. Present perfect continuous में, तो आप past perfect continuous में change करेंगे, that I आपका मोहन के हिसाब से ही होगा, have had हो जाएगा, been living in this city for 14 years, बिल्कुल सही, ये सब तो आसान है, अभी मैं आपको ये exercise complete हो जाए, then I'll give you the some other exercise जो थोड़ा difficult होंगे. Surya said I had told Jeevan about this last night. I had told Jeevan about this last night. Surya said. Abhishek Pandey बताइए. Surya said that he had told Jeevan about this last night. बहुत बढ़िया, लेकिन गलत है. आपने एक जगह चुप कर दिया. क्या चेंज, क्या क्या दिक्कत है, क्या गलत है? अभिषेक यादव बताइए, आप जरा बताइए सर. सर सूर्या सेड दैट ही हैड टोल्ड जीवन अबाउट दिस लास्ट नाइट. आप भी गलत हैं, यू आर आल्सो रॉन्ग. नहीं, आप वेट करिए, मैंने आपकी बातें सुनी है प्राचीश, वेट करिए. आप भी गलत हैं. अच्छा, किसको पता चला क्या क्या गलती है इसमें? ठीक है अनुराग, आप भी वेट करिए. मुस्कान, आपको पता चला व्हाट इज रॉन्ग हियर? आप भी यही बताएंगे. चलिए अनुराग उपाध्याय, आप बताइए. प्राची का तो मैंने सुना था, व्हाट इज रॉन्ग हियर? आप जरा इसका पूरा स्टेटमेंट सही से फिर से बोलिए. सर सूर्या सेड दैट ही हैड टोल्ड जीवन अबाउट द नाइट बिफोर. About this night before. क्यों बोल रहे हो? The night before किसके लिए यूज किया जाता है? Sir, indirect speech के लिए. मतलब किस वर्ड की जगह पे, किस वर्ड का सब्स्टिट्यूट है? Sir, last night. Last night का जो सब्स्टिट्यूट बता रहे हैं वो क्या आप बता रहे हैं? Sir, the night before. आप ये कह रहे हैं कि last night की जगह पे क्या लिखा जाना चाहिए? The night before. जरा चेक कर लेते हैं अपनी आंखों से ही, आप देखिए लास्ट नाइट कहाँ पे गया? लास्ट नाइट डाउन कॉर्नर, फर्स्ट रो लास्ट, फर्स्ट रो यस्टरडे, टुमारो लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, लास्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ, कहाँ पे? सही साइड, थोड़ा नीचे. अच्छा थोड़ा नीचे, ये लास्ट नाइट को द नाइट बिफोर, लेकिन अभी भी आप कुछ चूक कर रहे हो. द नाइट बिफोर एक बार फिर से बोलिए. ये ठीक है, अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है. प्राची आप बताइए. यस सर. सूर्य सैड दैट ही हैड टोल्ड जीवन अबाउट दैट लास्ट नाइट बिफोर. जिसको यहाँ दैट तो सबसे पहले ही बताया गया था, लास्ट नाइट नहीं, द नाइट बिफोर.
एट द एंड कहीं ना कहीं आप भी गलती कर ही गई। दिस को दैट भी बताया गया है लिखने के लिए, यहाँ पे आपका इन द फर्स्ट कॉलम थर्ड रो, दिस को दैट में चेंज होगा या नहीं? सब बोले हैं, बोले हैं, बाकी लोगों ने तो पूरी तरह भूल गए, दोनों ने ही चेंजेस किए। अनुराग दिस को दैट में नहीं चेंज किए, और जब प्राची चेंज कर रही है लास्ट नाइट को, ये लास्ट में लास्ट नाइट बिफोर बोली है, द नाइट बिफोर ने बोलने के बजाय। चलिए ठीक है, फिलहाल यू ऑल नीड टू कीप इन माइंड दैट कि देर मे बी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो अभी क्या लिखे इसका, व्हाट इज द करेक्ट वन हियर? सूर्या सैड दैट, लेट मी टेक द टेक्स्ट, सूर्या सैड दैट ही हैड, क्या हो गए, टोल्ड जीवन, कहाँ गया सर, ही हैड टोल्ड, ही हैड टोल्ड जीवन अबाउट दैट द नाइट बिफोर, ये तो होगा। यस सर, द लास्ट वन, द फायरमैन सैड वी मैनेज टू पुट आउट द फायर इन टाइम, नेक्स्ट कौन 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 कोशिश कर सकता है इसको, हाउ मेनी कैन ट्राई? चलिए अभिषेक आप बताइए, आपसे नहीं पूछा गया था। यस सर, so the fireman said that they had managed to put out the fire in time. इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, मेन तो आपस बेहतर तो फोर्थ वन वाला ही बेहतर था। द फायरमैन सेड दैट, वी को आप चेंज करेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से, वी भी आपको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो द फायरमैन के जहाँ पे क्या हो जाएगा, वी के जहाँ पे क्या हो जाएगा, दे, वी आपको यहाँ पे दे, प्लूरल है तो आपको प्लूरल रखना पड़ेगा ना, ये आपका रिमाइंडर भी आ गया 10 मिनट का। द फायरमैन सेड दैट दे, अब ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट किसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में ना, यस सर, ये हैड मैनेज्ड, यस सर, आउट द फायर इन टाइम, यही तो बताया आपने, यस सर। चलिए ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू कन्वर्ट द सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट। द लास्ट वन, रिपोर्ट ऑन व्हाट सम ऑफ द मेन कैरेक्टर्स सैड आर और आस्क्ड इन योर फेवरेट फेरी टेल्स। बेटा इसमें क्या करना है, रिपोर्ट ऑन व्हाट सम ऑफ द मेन कैरेक्टर Sad in your favorite fairy tales. अब fairy tales आपने कोई, आपके बुक में कोई fairy tales था या नहीं? No sir. The evil queen asked the magic mirror who the fairest of them all was. कोई परी वाली कहानी नहीं आप लोगों ने पढ़ा है? This is chapter number 8 going on. Before that already you should have studied. ये ऐसे question तो दे नहीं देगा। चलिए ठीक है, I'll look into that. And will, इसमें क्या करना है कि जो भी आप एक कोई स्टोरी पढ़ चुके हैं, कोई फेरी टेल्स, अगर आपने कोई एक कहानी है जिसको आप सुन चुके हैं, तो उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं उन्होंने किसी क्या पूछा था, तो वो सारी चीजें अब आपको इनडायरेक्टली आपको पूछना है। जैसे कि यहाँ पे द एविल क्वीन आस्क द मैजिक मिरर हु द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल वॉज, आप कोई भी मान लीजिए कोई भी दूसरा पर्सन किसी का स्टेटमेंट है उसी को आप इनडायरेक्ट टेंस में आप चेंज करें, यू ऑल हैव टू डू दिस एक्टिविटी, एक तरीके से एक्टिविटी है, यू ऑल आर सपोज टू डू। आफ्टर दिस लेट अस मूव अहेड इन द बुक्सी, द बुक्सी के पार्ट को भी डिस्कस कर ले तुरंत। ही सेड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, ओनली 2 क्वेश्चंस, हां लेट इट फिनिश, लेट अस फिनिश इट। He said,
प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. दीज सेंटेंस आर इन द डायरेक्ट स्पीच. ठीक है, री राइट देम विद द प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स. यू ऑल मतलब यू डू नॉट हैव टू राइट, यू डू नॉट हैव टू कन्वर्ट इट इन टू द इनडायरेक्ट सेंटेंस. इसको बस केवल आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं. समझ में आया पंक्चुएशन मार्क क्या होता है? Yes, sir. हाँ, तो जरा बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी जल्दी बताइए. ओनली 6 मिनट इज रिमेनिंग. ही सैड डू यू लाइक स्वीट्स, क्या होना चाहिए इसमें? So he said, then comma, quotation mark, do you like sweet, then quotation mark, full stop. एक काम कर सकते हैं ना आप लोग, इसके लिए ये there are 5 questions, ये थोड़ा सा आपके लिए बेहतर भी होगा और एक प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा. देर आर 5 सेंटेंसेस, आप एक कॉमा एक कॉलम बना सकते हैं. एक कॉलम में लिखेंगे डायरेक्ट स्पीच और एक कॉमन में क्या, एक कॉलम में क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, यानी इसी सेंटेंस को आप डायरेक्ट स्पीच में आप प्रॉपरली पंक्चुएशन मार्क के साथ लिखिएगा, फिर उसी इसी सेंटेंस को आप इनडायरेक्ट में बगल में चेंज कर दीजिएगा, हो जाएगा. अभी पहले हम इसको डायरेक्ट में प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं. ही सैड, क्या करना है, क्या क्या दिक्कत है इसमें, क्या क्या लगाना है? पंक्चुएशन मार्क लगाइए पहले. सैड के बाद कॉमा, सैड के बाद कॉमा हो गया. फिर कोटेशन मार्क डू के, डू के पहले, डू के पहले आपका कोटेशन हो गया. डू यू लाइक स्वीट्स, क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में कोटेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क है. फिर आपका कॉमा, ठीक है, यही तो है बेटा. इसमें आप सभी को भी फिलहाल पढ़ाया नहीं गया है, जब आपका क्वेश्चन मार्क रहेगा ना तो ये सैड को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, या ही सैड दैट नहीं लिखेंगे, ही आस्ड होना चाहिए. क्योंकि सैड टू रहे तो चेंज किया जाता है, ही सैड ही है आप करिए, सैड टू रहे तो फिर आप चेंज करेंगे. अभी सैड लिखा है तो आप सैड ही लिखें. ठीक है, तो अभी कोटेशन मार्क्स में क्या करना था, आपको क्वेश्चन मार्क लगाने थे, कॉमा लगाना था, कोटेशन मार्क लगाना था, तीन चेंजेस आपको करने थे. अब इसी को अगर आप इनडायरेक्ट में आप चेंज करना चाहें सामने, तो आप इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट में भी चेंज कर सकते हैं. क्या होगा इसका इनडायरेक्ट? कोई बताएगा? चलो, जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो बेटा आज ही लगाया जाता है, बट सैड टू रहे तो फिलहाल ग्रामर स्टेशन में ग्रामर स्टेशन में इस तरह की एक्सरसाइज से पहले हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसको आप लोग कर लीजिएगा बाद में. अभी अभी के लिए छोड़ देते हैं. yes. कंफ्यूज मत होइए, उसको भी मैं पढ़ा दूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा आप सभी को. अभी आप कोटेशन मार्क्स ही लगाइए. सेकंड सेंटेंस में जल्दी से बताइए, सेकंड सेंटेंस में अभिषेक यादव को छोड़ के मुस्कान आप बताइए. द चाइल्ड सैड, मे आई प्लीज गेट अनदर आइसक्रीम, क्या होना चाहिए इसमें? प्राची आप बताइए, मुस्कान नहीं बोल रही है, आवाज नहीं आ रही है, शायद कनेक्टेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है. प्राची बताइए. सर, दी सैड, दी चाइल्ड सैड के बाद कॉमा एंड मे के पहले इनवर्टेड कॉमा, कोटेशन मार्क, कोटेशन मार्क लग गया, एंड फुल स्टॉप. मे आई प्लीज गेट अनदर आइसक्रीम, ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या अफर्मेटिव है? क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको इसमें कुछ पूछ रहा है. आज अभी इसमें बना नहीं पा रहा हूँ, आप लोग इसको देखिएगा अपने हिसाब से बना लीजिएगा. ठीक है, फिर कोटेशन मार्क आपका एंड होगा. yes, इसी तरीके से कार्तिक सैड, कार्तिक सैड के बाद कॉमा, फिर व्हाट अ वंडरफुल गेस्चर, व्हाट अ वंडरफुल गेस्चर, ये क्या है, क्या ये आपका क्वेश्चन मार्क है अनुराग उपाध्याय? नो सर. क्या है ये? क्या लगाएंगे जरा बताइए ये क्वेश्चन? अच्छा अभिषेक पांडे आप बताइए. कार्तिक सैड, मैंने यहाँ पे कॉमा लगा दिया, यहाँ पे आपका कोटेशन मार्क्स भी शुरू कर दिया, यहाँ पे कोटेशन मार्क यहाँ पे मैंने एंड भी कर दिया, लेकिन इसके अंदर ये क्या, एक कॉमा या फुल स्टॉप होगा या क्वेश्चन मार्क होगा या कोई दूसरा चिन्ह होगा? एक्सक्लेमेटरी होगा. वेरी गुड, बहुत अच्छे. जेनी सैड, कॉमा,
आपका कोटेशन मार्क शुरू होगा, आई वॉन्ट टू बाई अ कार लाइक दैट समडे, क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, फिर यहाँ पे एक आपका कोटेशन मार्क बंद हो जाएगा, यही तो होगा। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए इसको रेस करते हैं। एक मिनट और बचे हैं। मदर सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो जाएगा। हाउ वाज द आइसक्रीम, यानी यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क लगेगा। हाउ वाज द आइसक्रीम, आइसक्रीम के बाद क्वेश्चन मार्क, फिर आपका कोटेशन मार्क बंद होगा, ठीक है। रीराइट दिस पैसेज इन द इनडायरेक्ट स्पीच, इस पैसेज को आप लोग इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करिएगा, और इसका मुझे जरा मेरे पर्सनल नंबर पे आप ग्रुप में ना भेज करके, मेरे नंबर पे आप अभी एक काम करिएगा, ग्रुप में ही भेज दीजिए, अभी भेज दीजिएगा, सो दैट मैं अपने फोन में अगर डाउनलोड ना कर सकूं तो किसी दूसरे के फोन से मैं चेक कर सकूं। यू ऑल हैव टू चेंज इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है? यस सर, यस सर। देखेंगे तो बाकी बच्चे भी देखेंगे, लेकिन जो देखेंगे, देख देख के लिखेंगे, वो कहीं ना कहीं अपना ही नुकसान करेंगे। तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप कन्वर्ट करिए, ग्रुप में इसका वर्क भेजिए, ठीक है? यस सर। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड। वन मोर थिंग ऑल्सो, यू ऑल नीड टू अटेम्प्ट द ग्रामर एक्सरसाइज फ्रॉम द ग्रामर स्टेशन, क्योंकि आपको जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही चेंज करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ही चेंज करना है, तो रूल्स आपको पढ़ाए जा चुके हैं, कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जा चुके हैं, दो तीन कॉन्सेप्ट बचे हैं जहाँ पे सैड टू में चेंजेस होता है, जहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस होता है, वो आपके अभी सिलेबस में है ही नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा आपका ग्रामर स्टेशन के एक्सरसाइजेस आप लोग कर सकते हैं, जैसे इमेजिनरी फॉलोइंग इजिली यू ऑल कैन डू। आप सभी इसको भी करके साथ में भेजिए, सो दैट आई कैन नो दैट कि वेदर आई हैव टू गिव गिव द टाइम इन द नेक्स्ट क्लास टू दिस वन और नॉट। अगर समय मेरा बचे तो मैं जरूर करूं, ठीक है? ग्रामर स्टेशन के एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय एवरीवन। गुड बाय सर, गुड बाय, गुड बाय। किसी को कुछ पूछना है?